यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 रविवार यानी कल संपन्न हुई। दो पालियों में हुई परीक्षा के साथ ही सभी तरह की आशंका पर भी विराम लग गया। करीब 80% उपस्थिति रही। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि अभ्यर्थियों में कोरोना से अधिक अपने भविष्य को लेकर चिंता है। प्रवेश परीक्षा में सामाजिक ज्ञान संबंधी व नई शिक्षा नीति के सवाल भी पूछे गए। पहले प्रश्न पत्र में तो कुछ बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए, तो चलिए वो प्रश्न क्या रहे उन्हें हम जान लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सवाल व जवाब। फर्स्ट वन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आंसर अप्सरा। नेक्स्ट वन, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट वन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट वन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? जीन हेनरी ड्यूनेट ने। नेक्स्ट, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में बटा है? तो आंसर है 9 क्षेत्र बटे हैं। पिन कोड में 6 अंक की संख्या होती है। नेक्स्ट, माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन जज के नाम से जाने वाले न्यायाधीश? आंसर न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। नेक्स्ट वन, देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट, कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है? वेरी इजी क्वेश्चन, 22। नेक्स्ट वन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? आंसर 2000 सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मलेश्वरी ने भारतोलन में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट वन, नई शिक्षा नीति पर भी सवाल, नई शिक्षा नीति पर भी सवाल पूछे गए कि परीक्षार्थियों ने बताया कि पहली पाली दैट्स मीन जीके के पेपर में नई शिक्षा नीति पर भी सवाल पूछे गए थे। नाउ रिगार्डिंग क्वेश्चन इज, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रधानित्व काल में लॉन्च हुई थी और श्री राम मूर्ति जी दैट्स मीन इन 1990 मतलब उनकी अध्यक्षता में इसमें मॉडिफिकेशन को लीड दी गई थी। तो मैंने इंट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष कौन है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जो अभी लॉन्च हुई है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, श्री कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो प्रमुख और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट वन, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक पद पर कौन तैनात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋषिकेश सेनापति। एंड लास्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव मार्किंग भी थी परीक्षा में, हर प्रश्न 2 नंबर के रहे, इसमें एक गलत उत्तर पर 1/3 नंबर कट जाएंगे, दैट्स मीन 1/3 जो है डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग के बावजूद सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि प्रश्नों की जो प्रकृति थी, नेचर था, बहुत ईजी था। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय।